नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट की जो भी यहाँ पे ताज़ा खबर आती है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। हमारे इस चैनल पर शेयर की स्टडी करके ही आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, जहाँ पे अच्छे प्रेडिक्शन साथ में नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाए जाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में, जहाँ पे काफ़ी बड़ा युद्ध अभी छिड़ सकता है। ऐसी कुछ सिचुएशन है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। देन आपस में कुछ मुठभेड़ भी हुई थी। अभी देखा जाए तो मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। सो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बिकॉज ये कुछ सुर्खियों में जो अभी न्यूज़ चल रही है उसके दौरान आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा एक फ़ायदा हो सकता है कि आपने पुट की साइड एक अच्छे लेवल्स के लिए पिक किया हो। लेकिन यहाँ पे अगर इस युद्ध के देखा जाए तो इसराइल और ईरान के बीच ये युद्ध है बहुत बड़ी कड़ी है, और आने वाले टाइम पे एक अच्छे लेवल्स भी हमें मिल सकते हैं कि हम बाइंग लेवल के लिए जाएँ और लॉन्ग टर्म की सिचुएशन भी बना सकते हैं। क्योंकि ऐसे युद्ध आज ही नहीं, काफ़ी बार ऐसी तनाव की स्थिति आई है और FIs ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक नीचे के लेवल पे लेके गए हैं, जहाँ पे हमें बाइंग करने का मौका मिलता है। इंडिविजुअल जो हम हैं FIs की बात करें तो उन लोगों को यहाँ पे सेल करने में आसानी होती है, वो लोग जल्दी निकलते हैं क्योंकि वो घबराए होते हैं। लेकिन हमारे को अपने मार्केट का हमें ज़्यादा अंदाज़ा है, ज़्यादा पता है, जिससे हम लॉन्ग टर्म में सिचुएशन बना सकते हैं, मार्केट में अच्छी खासी पकड़ के साथ बाइंग कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अगर इस युद्ध के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे पूरा रिसर्च करके अगर लगाइए, और लॉन्ग टर्म में ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।